देखो आज एमजी कंपनी ने ऑफिशियली कॉमेट इस इलेक्ट्रिक कार को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत स्टार्ट होती है 7,98,000 रुपीज से। और एमजी की कॉमेट अब कम्पीट करने वाली है टियागो ईवी के साथ। इसके अलावा सिट्रॉन की EC3 के साथ भी इस कार का मुकाबला होने वाला है। हालांकि टियागो ईवी की कीमत 8,69,000 रुपीज से शुरू होती है और सिट्रॉन की EC3 की कीमत 11,50,000 रुपीज से शुरू होती है। तीनों ही कारों की कीमत मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा, तो यहाँ पर एमजी कॉमेट की कीमत आपको सबसे कम देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बैटरी रेंज और पावर की बात करूं, तो एमजी कॉमेट के अंदर एक बैटरी बैकअप का यूज किया गया है, जिसके तहत आपको 17.3 किलोवाट आवर बैटरी बैकअप का ऑप्शन मिलेगा। और ये कार इस बैटरी बैकअप के साथ 230 किलोमीटर तक की रेंज देती है, यानी एक सिंगल चार्ज में ये कार 230 किलोमीटर तक चलने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस कार के अंदर आपको 42 PS की पावर आउटपुट और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। तो यहाँ पर आपको पावर आउटपुट थोड़ी सी कम मिलने वाली है एज कम्पेयर टू टियागो और सिट्रॉन की EC3, क्योंकि टाटा टियागो के अंदर आपको दो बैटरी बैकअप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर 19.2 किलोवाट आवर बैटरी बैकअप का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसके तहत टाटा की टियागो एक सिंगल चार्ज में 250 किलोमीटर तक की रेंज देती है। और सेम बैटरी बैकअप के साथ आपको 60 PS की पावर आउटपुट और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। तो इस बैटरी बैकअप के साथ भी आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर मिलेगी, जिसके तहत आपको ड्राइविंग के डेफिनेटली मजे आने वाले हैं। लेकिन अगर आपको इससे भी ज्यादा पावर आउटपुट चाहिए, तो आप टाटा टियागो के 24 किलोवाट आवर बैटरी बैकअप वाले मॉडल के साथ जा सकते हैं। इस बैटरी बैकअप के साथ आपको 315 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी, यानी टाटा की टियागो ईवी एक सिंगल चार्ज में 315 किलोमीटर तक की रेंज देती है 24 किलोवाट आवर बैटरी बैकअप के साथ। और इसी मॉडल के साथ आपको 73 PS की पावर आउटपुट और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। तो यहाँ पर टियागो ईवी के अंदर आपको ड्राइविंग के मजे भी आएंगे और ये कार आपको सबसे ज्यादा रेंज भी देने वाली है। लेकिन अगर मैं सिट्रॉन की EC3 की बात करूँ, तो इस कार के अंदर आपको 29.2 किलोवाट आवर बैटरी बैकअप का ऑप्शन मिलेगा और इस बैटरी बैकअप के साथ ये कार लगभग 320 किलोमीटर तक की रेंज दे देती है। यानी यहाँ पर आपको टियागो ईवी से भी थोड़ी सी ज्यादा रेंज मिलेगी, लगभग 5 किलोमीटर ये कार आपको एक्स्ट्रा रेंज देने वाली है। इस कार के साथ आपको 57 PS की पावर आउटपुट और 143 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। तो इन तीनों ही कारों में से यहाँ पर टाटा की टियागो बाजी मार लेती है, क्योंकि टियागो ईवी के अंदर आपको 315 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी और ये कार लगभग 73 PS की पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर लेती है। तो डेफिनेटली आप इसके बारे में सोच सकते हैं, प्राइसिंग में आपको नॉर्मल सा ही डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। हालांकि सिट्रॉन की EC3 की कीमत आपको टियागो ईवी से भी थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। अगर मैं टॉप स्पीड की बात करूं, तो एमजी की कॉमेट 100 किलोमीटर पर आवर के टॉप स्पीड से भाग सकती है। यानी इस कार का टॉप स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर का, उसके साथ टियागो ईवी का टॉप स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर का और सिट्रॉन की EC3 का टॉप स्पीड है 107 किलोमीटर पर आवर का। तो यहां पर भी टियागो ईवी बाजी मार लेती है। अगर मैं चार्ज टाइम की बात करूं, यानी किस कार को चार्जिंग में कितना टाइम लगता है, तो यहां पर सबसे पहले कॉमेट के बारे में बात कर लेते हैं। एमजी कॉमेट के फास्ट चार्जर के बारे में मैंने जितना भी रिसर्च किया, कहीं पर भी ये मेंशन नहीं था कि एमजी कॉमेट के अंदर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है। अगर इसके बारे में आपको कुछ पता है, तो यार कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। एमजी कंपनी ने कॉमेट के साथ 3.3 किलोवाट का चार्जर का यूज किया हुआ है और इस चार्जर के साथ आप 0-100% बैटरी 7 घंटे के अंदर चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा 80% इसकी बैटरी 5.5 घंटे के अंदर चार्ज हो जाएगी। अगर ये कार फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती भी है आने वाले समय में, तो इसका जो चार्जिंग टाइम रहेगा वो डेफिनेटली कम होने वाला है। अगर मैं टियागो ईवी की बात करूं, तो टियागो ईवी के साथ आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, ये एक प्लस पॉइंट है इस कार का। आप DC फास्ट चार्जिंग के साथ इस कार को 0-80% चार्ज कर सकते हो सिर्फ 58 मिनट के अंदर, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि 58 मिनट दोनों ही बैटरी बैकअप को चार्ज होने में टाइम लगने वाला है। इसके अलावा अगर आपको फुल 100% चार्ज करना है टियागो ईवी को DC फास्ट चार्जिंग के साथ, तो इसके 19 किलोवाट आवर बैटरी के मॉडल को चार्ज करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय लगेगा। वही 24 आवर बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको 3.5 घंटे का टाइम लगने वाला है। जो बड़ी बैटरी है उसको 1 घंटा थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, वही छोटी बैटरी को आपको 1 घंटा थोड़ा सा कम लगने वाला है। तो ये चीज आपको डीसी फास्ट चार्जर के साथ देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप टियागो ईवी को घर पर चार्ज करते हो, तो उस केस में आपको 7 घंटे से लेकर 8.5 घंटे का समय लगने वाला है। वही अगर मैं सिट्रॉन की EC3 की बात करूं, तो ये कार भी डीसी फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आ जाती है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। और इस कार की बैटरी को 80% तक चार्ज होने में लगभग 57 मिनट का टाइम लग जाता है। तो ये कार भी लगभग टियागो ईवी जितना ही टाइम ले लेती है डीसी फास्ट चार्जिंग के साथ। रेगुलर चार्जर के साथ अगर आप
चार्ज करते हो इस कार को, यानी घर पर अगर आप इस कार को चार्ज करोगे लगभग 10.5 घंटे का टाइम लेने वाली है। वही टाटा के टियागो लगभग 7 घंटे से लेकर 8.5 घंटे का टाइम लेगी और एमजी की कॉमेट को 5.5 घंटे से लेकर 7 घंटे का टाइम लगने वाला है चार्जिंग में। तो यहाँ पर चार्ज टाइम आपके सामने है। यहाँ पर आपको टियागो ईवी के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, इसको चार्ज होने में आपको थोड़ा सा कम समय लगने वाला है। अगर मैं एक्सटीरियर लुक की बात करूँ तो तीनों ही कारों का लुक अच्छा खासा है, लेकिन यहाँ पर डायमेंशन के हिसाब से एमजी की कॉमेट थोड़ी सी आपको छोटी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसके डायमेंशन काफी कम रखे गए हैं और ये 3-डोर इलेक्ट्रिक कार होने वाली है। तो यहाँ पर ये कार आपको रोड पर थोड़ी सी छोटी देखने को मिल जाएगी जब आप इस कार को टियागो ईवी के साथ कंपेयर करोगे या फिर आप सिट्रोन की EC3 के साथ कंपेयर करोगे। लेकिन एक्सटीरियर लुक के हिसाब से ये कार दिखने में थोड़ी सी अच्छी खासी लगती है, टियागो ईवी भी मस्त लगती है और सिट्रोन की EC3 काफी लोगों को अच्छी लग सकती है। इन तीनों कारों में से आपको किस कार का लुक सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो एमजी कंपनी ने इस कार का इंटीरियर काफी ज्यादा बेहतरीन रखा है, आपको काफी एडवांस लेवल के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो जरूर लाने की कोशिश करूंगा, जो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है। टियागो ईवी के अंदर भी अच्छे खासे फीचर्स ऑफर करे जाते हैं इंटीरियर में, और सिट्रोन की EC3 के अंदर आपको थोड़े से कम फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो 2023 में आपको एक अच्छी इलेक्ट्रिक कार लेनी है तो आप इन तीनों में से एक कार को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट पोजिशन पर मैं टियागो ईवी को रखना चाहूंगा, क्योंकि इसके अंदर आपको काफी ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे, सेफ्टी मिल जाएगी, अच्छी खासी रेंज मिल जाएगी, पावर आउटपुट आपको सबसे ज्यादा टियागो ईवी के अंदर मिलने वाली है। तो ये एक प्लस पॉइंट आपको टियागो ईवी का देखने को मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर मैं एमजी की कॉमेट को रखना चाहूंगा, क्योंकि इसकी कीमत कम है और इसका इंटीरियर आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। और तीसरे पोजिशन पर मैं सिट्रोन की EC3 को रखना चाहूंगा। इन तीनों में से आपको कौन सी कार सबसे ज्यादा अच्छी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।